गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीपोजिशन किया था और प्रीपोजिशन में हमने हमारा जो यूज चल रहा था स्टूडेंट, एट इज़ यूज्ड। ओके स्टूडेंट, एट इज़ यूज, हमने एट का यूज़ किया था। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, वो इसी में एट में ही मैन मेड टाइम। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इट मीन्स कि निश्चित समय के लिए। ओके स्टूडेंट, निश्चित समय के लिए जो मेन मेड टाइम होता है उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? जैसे एग्जांपल, आई गेट 8:05 AM, ये क्या है? डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय स्टूडेंट। इसलिए टाइम से पहले, बिफोर टाइम हम यूज़ करेंगे एट का। प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, द मीटिंग विल स्टार्ट 8:07 PM। 7 PM क्या है? टाइम है स्टूडेंट, और टाइम से पहले डेफिनेट टाइम है, और डेफिनेट टाइम से पहले प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, द ट्रेन स्टार्ट 8:06 AM। जो ट्रेन है वो कितने बजे स्टार्ट होगी? स्टार्ट होती है 6 AM। ओके स्टूडेंट, तो ये भी टाइम शो कर रहे हैं और डेफिनेट टाइम शो कर रहे हैं, इसीलिए हम एट का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, रेट ऑफ समथिंग, दर बताने के लिए कि रेट कितना है किसी चीज़ का, रेट बताने के लिए स्टूडेंट किसी भी वस्तु का कोई रेट बताते हैं तो हम एट का यूज़, प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे द ऑरेंजेस आर सोल्ड एट RS 30 a dozen। ओके स्टूडेंट, कि एक दर्जन 30 रुपये कीमत से ऑरेंज बेचे गए हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हीट इज सोल्ड एट ए हाई रेट। जो व्हीट है, जो गेहूं है, उसका रेट क्या है? हाई है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बता रहे हैं? हाई रेट, समथिंग रेट। ओके स्टूडेंट, दर बता रहा है, किसी भी चीज की कोई दर बता रहा है तो हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओन इज यूज्ड, ओन का यूज स्टूडेंट बिफोर डेट एंड डे। ये चीज़ें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये ऑन का यूज, तो डेट एंड डे से पहले ऑन का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ऑन इज यूज बिफोर डेट एंड डे। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन मंडे, मंडे इज नेम ऑफ ए डे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? डे, और डे से पहले ऑन का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ही विल कम ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और डे से पहले ऑन का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 26 जुलाई 2020। उसने अपना बर्थडे कब मनाया था? 26 जुलाई 2020 को मनाया था। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? डेट, ये क्या है? डेट शो कर रहे हैं, डेट एंड टाइम से पहले ऑन का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है कि अगर डेट एंड डे दिया हुआ हो तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ नियर, किसी भी समीपता, नजदीकता बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करते हैं। द ताज इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ओके स्टूडेंट, द ताज इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। जो ताज है स्टूडेंट, वो यमुना नदी के किनारे है। ओके स्टूडेंट, मतलब क्या बता रहा है? नजदीकी बता रहा है, समीपता बता रहा है कि ताज और
जो रिवर यमुना है वो उसके यमुना नदी के किनारे के नज़दीक है ताज। ओके स्टूडेंट, जो ताजमहल है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या बता रहा है? समीपता बता रहा है, नज़दीकता, नज़दीक बता रहा है ये, ठीक है? किसके नज़दीक है? यमुना नदी के किनारे के नज़दीक है ताजमहल। तो हरिद्वार इज ऑन द बैंक ऑफ हरिद्वार इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे क्या है? हरिद्वार। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? गंगा के किनारे, जो गंगा का किनारा है स्टूडेंट, बैंक, द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे, बैंक मीन्स किनारा। ओके स्टूडेंट, गंगा के किनारे क्या है? हरिद्वार है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? हरिद्वार गंगा के ऊपर नहीं है स्टूडेंट। ओन मीन्स यहाँ पर ऊपर का मतलब नहीं है। ओके स्टूडेंट, इट मीन्स कि नज़दीक है। कहाँ पर है? गंगा के किनारे के नज़दीक क्या है? हरिद्वार है। नज़दीक मीन्स समीप है उसके। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार से नेक्स्ट, टू एक्सप्लेन द टच, ये किसको शो करता है? टू एक्सप्लेन द टच, कि किसी भी चीज़ को अगर जैसे ये है, सरफेस को टच करता है, किसी भी चीज़ की सरफेस को टच करता है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास ये मार्कर है, और मार्कर अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये क्या कर रहा है? ये इसकी समीपता, सरफेस को टच कर रहा है स्टूडेंट। ओके, ये टच कर रहा है स्टूडेंट। तो इस समय, इस टाइम पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो क्या है? टू एक्सप्लेन द टच, मतलब इट मीन्स कि टच कर रहा है ये सरफेस को टच। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर किसी की सरफेस को टच करता है तो उस टाइम पर हम ऑन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, टू एक्सप्लेन द टच, टू एक्सप्लेन द टच, टू एक्सप्लेन द टच, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कोई भी वस्तु अगर किसी की सरफेस को टच करती है तो इट मीन्स ऑन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, दे आर सीटिंग, दे आर सीटिंग ऑन द फ्लोर, दे आर सीटिंग ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर बैठे हैं, ये फर्श है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सम पीपल्स आर सीटिंग ऑन दिस फ्लोर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं तो इसकी सरफेस को टच कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और इस टाइम पर हम ऑन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आया समझ में? राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, राम, राम और ये चेयर के बीच में जो रिलेशन शो कर रहा है स्टूडेंट, राम और चेयर के बीच में राम इज सिटिंग, राम बैठा है, बट ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर। तो ये जो चेयर है और ये राम है, इसके बीच में जो रिलेशन शो कर रहा है, ओके स्टूडेंट, वो ऑन कर रहा है। ओके स्टूडेंट, कि राम इज सिटिंग ऑन द चेयर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस टाइम पर हम ऑन का यूज करते हैं।
योर बुक्स ऑन द योर बुक्स पुट ऑन द टेबल योर बुक्स पुट ऑन द टेबल बुक्स और टेबल के बीच में जो रिलेशन शो कर रहा है ओके स्टूडेंट वो क्या कर रहा है ऑन कर रहा है कि योर बुक्स पुट आपकी किताबें रखी है लेकिन कहां पर रखी है ऑन द टेबल ऑन द टेबल टेबल के ऊपर अब ये टेबल है स्टूडेंट अब टेबल के ऊपर ये बुक्स रखी है ओके स्टूडेंट ये बुक्स रखी है बट ये टेबल की सरफेस को टच कर रही है ये बुक ओके स्टूडेंट ये जो टेबल है इस टेबल की जो सरफेस है स्टूडेंट सरफेस है उसको ये किताबें ये बुक्स है क्या कर रही है टच कर रही है इज दैट क्लियर स्टूडेंट और उस टाइम पर हम ऑन का यूज करते हैं ओके स्टूडेंट तो ये ऑन का यूज कंप्लीट हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट इन इन इज यूज्ड फॉर मेट्रो सिटी मेट्रो सिटीज एंड प्रोविंस एंड स्टेट्स एंड कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स इट इज इन इज यूज फॉर मेट्रो सिटी मेट्रो सिटीज प्रोविंसेस स्टेट्स एंड कॉन्टिनेंट्स ओके स्टूडेंट मेट्रो सिटीज मीन्स कि बड़े जो नगर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है प्रांतों के लिए और राज्यों के लिए और जो महाद्वीप होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है बड़ी स्थानों के लिए बड़े स्थानों के लिए हम इनका यूज करते हैं एग्जाम्पल्स राम राम लिव्स इन अमेरिका राम लिव्स इन अमेरिका ओके स्टूडेंट कि राम कहां पर रहता है अमेरिका रहता है ओके स्टूडेंट मोहन लिव्स इन जयपुर मोहन लिव्स इन जयपुर मोहन कहां पर रहता है जयपुर में रहता है ओके स्टूडेंट और एग्जाम्पल एक और स्टूडेंट मोहन लीव्स एट आदर्श नगर इन जयपुर मोहन लीव्स एट आदर्श नगर इन जयपुर अब स्टूडेंट मोहन लीव्स एट आदर्श नगर स्मॉल प्लेस ओके स्टूडेंट छोटा स्थान है किसके कंपेयर में जयपुर के कंपेयर में अगर बात करें तो ये जो आदर्श नगर है ये क्या है स्मॉल प्लेस है छोटा स्थान है क्योंकि ये जयपुर के अंदर है स्टूडेंट जयपुर में है ठीक है तो जयपुर तो बड़ा हो गया और ये जो आदर्श नगर है ये छोटा स्थान है तो बनेगा कैसे मोहन लिव्स एट आदर्श नगर इन जयपुर कि मोहन
जयपुर में जो आदर्श नगर है वहाँ पर रहता है। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर रेस्ट थिंग्स। फोर रेस्ट थिंग्स, फोर रेस्ट थिंग्स मीन्स कि कोई स्थिर स्थान है। ओके स्टूडेंट, और उस स्थान में जो कवरअप होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, कवर हुआ है और इस उसमें जो रहते हैं, जो स्थिर है वस्तु, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, दीज स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। दीज स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। रूम है स्टूडेंट, कवरअप है चारों तरफ से। ओके स्टूडेंट, और उसमें जो स्थिर है वो क्या है स्टूडेंट्स, चारों तरफ से कवर हो, ओके स्टूडेंट, और स्थिर चीज हो, ओके स्टूडेंट, उसमें हम इनका यूज करते हैं, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। दी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, रूम के अंदर, और इनका जो मीन निकलता है, हिंदी मीन निकलता है स्टूडेंट, मीन्स निकलता है वो क्या होता है, अंदर। ओके स्टूडेंट, तो दीज स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, रूम के अंदर छात्र बैठे हुए हैं। ओके स्टूडेंट, there was some water in the jug, there was some water in the jug। जग क्या है, चारों तरफ से कवर है, ओके स्टूडेंट, और स्थिर है, और उसमें क्या है, वाटर है। there was some water in the जग, जग में थोड़ा सा पानी था। ओके स्टूडेंट, तो उस टाइम पर हम इनका यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इन मींस अंदर, जग के अंदर, जग में या अंदर के लिए इनका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देयर वाज सम वाटर इन द जग। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द मंथ, मंथ्स सीजन्स एंड ईयर्स इट इज। इन इज यूज बिफोर द मंथ्स सीजन्स एंड ईयर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कि इनका उपयोग मंथ से पहले, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ सीजन्स, नेम ऑफ ईयर्स, ईयर से पहले भी हम इनका यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल, फर्स्ट we shall go to Delhi in August।
वी शैल गो टू दिल्ली इन अगस्त। ओके स्टूडेंट, कि अगस्त में हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। नेक्स्ट सीजन, इट इज वेरी हॉट इन समर। नेम ऑफ सीजन है स्टूडेंट समर, ग्रीष्म ऋतु। ओके, और नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स अगस्त का नाम दिया हुआ है, और नेम ऑफ सीजन समर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, समर इज नेम ऑफ सीजन्स। ओके स्टूडेंट, ग्रीष्म ऋतु जिसे कहते हैं, इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी होती है ग्रीष्म ऋतु में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ईयर्स, ही वेंट टू जयपुर इन 2019। ही वेंट टू जयपुर इन 2019 में वह जयपुर गया था। ओके स्टूडेंट, तो ईयर नेम ऑफ ईयर, इससे पहले प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये सीजन है, सीजन से पहले समर सीजन है, नेम ऑफ सीजन है, और इससे पहले इनका यूज, प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगस्त है नेम ऑफ द मंथ्स। ओके स्टूडेंट, और अगस्त से पहले जो नेम ऑफ मंथ है उससे पहले स्टूडेंट प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट सेंटेंस में मंथ्स सीजन्स और ईयर्स अगर दिया हुआ हो और फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ हो स्टूडेंट, और या फिर ब्रैकेट में इन या ऑन दिया हुआ हो स्टूडेंट, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनका यूज किया जाता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अगर ऐसे फीस वी सेल गो टू दिल्ली फिल इन द ब्लैंक अगस्त, अगर ये दिया हुआ है स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक, और यहाँ पर ब्रैकेट में इन और ऑन दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट ऑलरेडी बता दिया कि किसका यूज होगा। अगर मंथ्स नेम ऑफ मंथ्स हो, नेम ऑफ सीजन्स हो, और नेम ऑफ ईयर्स हो, तो स्टूडेंट किसका यूज होगा? इनका यूज किया जाता है स्टूडेंट। ओके, किसका यूज होगा? इनका यूज होगा, तो यहाँ पर इनका यूज होगा, तो इट मीन्स यहाँ पर इन आएगा। वी शैल गो टू दिल्ली इन अगस्त, सेम सिचुएशन, सेम इसी प्रकार से, अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है और नेम ऑफ द सीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनका यूज होगा। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है और इससे पहले फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, तो प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट नेचुरल टाइम्स। नेचुरल टाइम्स, नेचुरल टाइम्स से पहले हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द मॉर्निंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द मॉर्निंग। नेचुरल टाइम है स्टूडेंट, नेचुरल टाइम से पहले प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द मॉर्निंग, तो नेचुरल टाइम है, नेचुरल टाइम से पहले इनका यूज किया जाता है। देयर वॉज ए मीटिंग इन द इवनिंग, देयर वॉज ए मीटिंग इन द इवनिंग, शाम के समय क्या थी? मीटिंग थी। और तो ये क्या है स्टूडेंट? नेचुरल टाइम है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून। इज दैट क्लियर स्टूडेंट?
तो यहाँ पर इनका यूज किया। ओके स्टूडेंट, नेचुरल डायरेक्शंस, नेचुरल डायरेक्शंस जो नेचुरल दिशाएं होती है उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल, Nobody lives in the west of my house. Next, he went 5 kilometers. He went 5 kilometers in the north. Nobody lives in the west of my house. कि मेरे घर के west side में, west की तरफ कोई नहीं रहता है। Okay student, तो ये क्या है? West नेचुरल डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो वेस्ट साइड में, मेरे घर के वेस्ट साइड में कोई भी नहीं रहता है। ओके स्टूडेंट, तो वेस्ट से पहले, नेचुरल डायरेक्शन से पहले, यहाँ पर भी नेचुरल डायरेक्शन है और नेचुरल डायरेक्शन से पहले इनका यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार से ही वेंट 5 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में 5 किलोमीटर गया था। ओके स्टूडेंट, तो ही वेंट 5 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? हमें प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है। और मैंने क्या बताया कि नेचुरल डायरेक्शन से पहले किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन इनका यूज होगा। तो नेचुरल डायरेक्शन चेक करनी है इसमें, नेचुरल डायरेक्शन कौन सी है? द वेस्ट और द नॉर्थ, और द वेस्ट और द नॉर्थ से पहले प्रीपोजिशन इनका यूज होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, end of the future period, end of the future period की student, इसमें future की बारे में बात की जाती है। ओके स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल, ही विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली इन वीक। He will return from Delhi in a week. एक हफ्ते में दिल्ली से वह लौट आएगा। आया नहीं है, in future period, भविष्य की जो अवधि बता रहा है वो शो कर रहे हैं। एक हफ्ते में, एक हफ्ते में, मे के लिए स्टूडेंट बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट, एक हफ्ते में, तो मे आ गया, हिंदी अर्थ में आ गया, तो इट मीन्स इनका यूज होगा। तो ही, वह एक हफ्ते में दिल्ली से, फ्रॉम मीन्स से, लौट आएगा।